पंजाब के जिला फिरोजपुर के जामाराखिया उताड़ गांव में मामला तब ज्यादा तूल पकड़ गया जब गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ दर्ज शिकायत की जांच के लिए सिख संगठन के लोग गांव में आए। ग्रामीणों ने बताया कि ग्रंथी सिंह के पिता कई सालों तक पहले बार गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करने आए थे, अब ग्रंथी सिंह खुद सेवा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्वर्ण जाति के लोग इस ग्रंथी सिंह को जाति के आधार पर गुरुद्वारा साहिब से निकालना चाहते हैं। इस साजिश के तहत झूठा आवेदन किया गया है। उन्होंने कहा कि केवल चार सदन ग्रंथी सिंह को बदनाम कर उन्हें बेदखल करना चाहते थे। दूसरी ओर सिख संगठनों के नेताओं का कहना है कि उन्हें एक शिकायत मिली है, इस गांव का ग्रंथी सिंह गुरु ग्रंथ साहिब की पालना कम कर रहा है। उन्होंने कहा कि गांव से मिली शिकायत के आधार पर वह जाँच करने आए हैं, लेकिन कुछ लोग जाँच की जगह विरोध कर रहे हैं। जांच करने आए सिख संगठनों के नेताओं ने कहा कि अगर ग्रंथी सिंह गलत साबित हुए तो वे किसी भी कीमत पर गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान नहीं होने देंगे, फिर उसे उचित सजा दी जाएगी। इतने गुरुद्वारा साहब जिहड़े ग्रंथी सेवा निभा रहे ने, वो कुछ पिंड दे लोकां नूं इह इतराज है भी इह मर्यादा नाल सेवा नहीं निभाउंदे। इस करके पिंड की पंचायत जथेबंदी वाले बैठ के इस गल का फैसला कर रहे हैं कि की गल है, स्थिति टिकाऊ वाली बनी है। नहीं ठीक है, कोई नहीं, सियाने बंदे कोई यही गलबात नहीं है, वो वैसे पिंड वाले इकट्ठे हुए हैं, अजय गलबात चल रही है, अंदर बैठे ने। नहीं अजय वो दोवें धर अंदर बैठिया कर रही ने गल, अजय उन्होंने कमेटी के मतलब ध्यान में ही मामला है, वही अपने लेवल से कर रहे हैं। इस वेले कुल मिला के स्थिति किस तरह है? ठीक है जी, बिल्कुल पीसफुल है जी। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथी सेवा कर रहा है, करते हैं उन्होंने कहा कि कितने दिन का सेवा कर 20 साल हो गए उन्होंने इथे आने लोग इल्जाम लाए ने उन्हें इल्जाम कोई ना पता है मुड़ की लाया ने हादे वास्ते तो कोई इल्जाम नहीं उन्हें लगा साडे वास्ते बिल्कुल सही है भी बाबा गुरदयाल सिंह इथे चौकी भरदा है जी आपसी मामला है इन्हां दा विच कोई जट सिख बरादरी दा लेना देना नहीं है। हां जी, ये जात पात दा ही रौला है, ये जट सिख कब्जा करना चाहते ने, असीं अपना गुरुद्वारा राज सिखां असीं छड़ना नहीं चाहते, साडा इसलिए दे सकदे आ इस नूं सिर्फ जाति दे आधार ते गुरुद्वारा साहिब नूं डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा जी। किन्ना टाइम हो गया ग्रंथी सिंह इत्थे रहिंदे हुण ते की नाम होगा? इत्थे पहलां तां इहनां दे फादर साहिब सीगे जो कि सेवा करदे सी, उदों बाद काफ़ी टाइम हो गया, जदों भी मेरी तो उम्र हो गई 27-28 साल है, तो मैं तो शुरू तो इन्हों देख रहा, अजे तक कोई इन्हों की कंप्लेंट नहीं आएगी पिंड दे विच भी किसी नूं भी। पार्टी का नाम गुरदयाल सिंह, पार्टी का नाम गुरदयाल सिंह, वो संधो का रहने वाला, संधो 20 साल ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਰਹਿਤ ਗਿਆ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਭਾਈ ਪਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੰਦਰ ਠਾੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਗੁਰਦਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮਨਮਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਦਾ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਸਾ ਅਸਲ ਜਾਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਮਨਮਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਨਮਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਲਕਾ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਨਮਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋਪੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ।
टाइम न्यूज के लिए फिरोजपुर से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट।